अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है कि अ स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू अ स्क्वायर शेप 1/4 इन एरिया टू द ओरिजिनल स्क्वायर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स आर कट एज शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल पैटर्न ऑन द फुल्ली अनफोल्डेड पेपर। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बड़ा स्क्वायर शेप्ड पेपर है, इसको दो बार फोल्ड किया। मान लेते हैं एक बार इस एक्सिस पे ऐसे फोल्ड कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, पेपर बन जाएगा लगभग कुछ कुछ ऐसे, ये हाफ हो जाएगा ना। और फिर इस एक्सिस पे ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर से उठा के ऊपर फोल्ड कर दिया, तो अब क्या पेपर बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये ना उल्टा इसलिए बनाया क्योंकि वापस हमें खोलना है इस पेपर को। तो ये ओरिजिनल पेपर था, एक बार फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड किया, आपको ये छोटा सा एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर में उसने कट लगाए, एक कट उसने ऐसे लगाया और एक कट उसने यहां लगाया और एक सर्कल कट उसने यहां लगाया और एक सर्कल कट उसने यहां लगाया। अब वापस जब ये पेपर खुलना शुरू होगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, वही तो खोजना। तो देखो यहां से इस पेपर को वापस उल्टा खोलो, इस पर इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो पहले तो जो ऐसा है वो यहां पर ऐसे ही दिखेगा, एक कट ये रहा, एक कट ये रहा, बाकी दो रहे सर्कल। और ठीक इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट यहां से एक कट ये देगा और इसका अपोजिट यहां से एक कट ये देगा और इन दोनों के अपोजिट यहां से दो डॉट यहां दे देंगे। अब इस पूरे की फिर से एक मिरर इमेज बनानी है, पहले तो इसी की ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ये एक कट था और इस एक्सिस पे ये दूसरा कट था, फिर ये वापस वाला कट था, ये था, ये दो थे और ये दो थे। अब यहां से इसको फोल्ड करके इधर खोलो, तो जब यहां से खोलोगे तो इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी, तो ये एक नजदीक है तो नजदीक में ये दो बनेंगे, ऐसे ही ये दो बनेंगे और इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, इसका मिरर इमेज यहां बनेगा और इसका मिरर इमेज यहां बनेगा। तो दोस्तों इस तरह की फिगर अगर आप ढूंढेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर में तो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा जो कुछ कुछ इससे मैच कर रहा है, तो दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।